बेहद का सुख मिला है प्रभु की कृपा से। ओम शांति। थर्सडे सेशन में आप सबका स्वागत है। आज थैंक्सगिविंग डे भी है। वैसे तो संगम का हर दिन बाबा के लिए शुक्रिया तो है ही दिल से, फिर भी आज के दिन हम बाबा को बहुत 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 दिल से थैंक्स करते हैं। पूरे ब्राह्मण फैमिली को भी शुक्रिया और थैंक्सगिविंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक और स्पेशल है, बेहद का वास्तविक भावार्थ, रियल मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड। बेहद ये वर्ड हम रोज मुरली में कई बार सुनते हैं। आज हम इस पर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, सुनेंगे। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं मीरा दीदी मुलुंद मुंबई से। मीरा दीदी पिछले 30 साल से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। उन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग के अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा कई आत्माओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। दीदी ने कई कंपनीज, एंटरप्राइजेस और फॉर्म्स में सेल्फ मैनेजमेंट का सेशंस कंडक्ट किया है। दीदी ने बहुत से लोगों को कोच किया है और उनको उनके गोल्स ड्रीम्स फुलफिल करने में मदद की है। आज हमारा सौभाग्य है मीरा दीदी हमारे साथ हैं। मीरा दीदी आपको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हैप्पी थैंक्सगिविंग। हम सब बहुत खुश हैं कि आज हम आपसे बेहद का वास्तविक भावार्थ इस सुंदर टॉपिक पर सुनेंगे। दीदी आपको फिर से स्वागत है। द फ्लोर इज ऑल योर्स नाउ। बेहद का वास्तविक भावार्थ, ये शब्द बेहद बाबा का फेवरेट शब्द है। इनफैक्ट ज्ञान का पूरा सार कहो इस एक शब्द में समाया हुआ है, बेहद। पूरे हमारी ब्राह्मण जीवन की यात्रा हद से बेहद का एक सफर है। हमारे पुरुषार्थ का पहला कदम बेहद से शुरू होता है। और लास्ट कदम भी बेहद होता है। बाबा कहते कि जब आप बच्चे बाबा के बनते हो तो आप जीते जी मरना सीखते हो। देह भान से परे चले जाते, पर हमारी लास्ट की अवस्था है देह और देह के सारे संबंधों से दूर हो जाना और बेहद का अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर ले। पूरे हमारे जीवन में कई प्रकार की हदें हैं, देह भान के अलग अलग स्वरूप हैं, मैं और मेरेपन के कई जाल हैं, बंधन हैं। और जब हम बात करते हैं बेहद की, तो एक मेरा बाबा इस स्थिति में जब हम खो जाते हैं तो एक सेकंड में हम हद से बेहद में चले जाते हैं। संसार में आने के बाद
अनेक प्रकार के विस्तार हमने किए। अब बाबा कहे, बच्चे विस्तार से अब सार की ओर जाना है। बेहद का बाप मिला है, बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहा है, बेहद के परिवार के बीच में आज हम हैं। आज विशेष थैंक्स गिविंग डे है। आज हम वो सारी बेहद की खुशियां जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, वो बेहद के नशे के पॉइंट्स, वो बेहद का मेरा वास्तविक स्वरूप, उसको इमर्ज करें। हम किस कंट्री में है, किस जोन में है, किस सेंटर के हैं, इन सारी हदों को भूल करके बेहद का मेरा घर वो परम धाम, वो ब्रह्म लोक जहां कोई प्रकार की हद नहीं, कोई देह और देह का भान नहीं, बेहद में जाना माना अपनी हद की, देह भान की छोटी छोटी सोच को समाप्त कर दे, संकुचित मन, छोटा दिल, इससे पार होकर के बेहद की मेरी पर्सनालिटी, बेहद का मेरा स्वरूप, उसको इमर्ज कर। बाबा कहे, बेहद माना अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप, वो बेहद का मेरा स्वरूप जो बेहद बाबा के समान, जिसमें बेहद की सोच है, बेहद की बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, सतो प्रधान बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, बेहद की मेरी वृत्ति है, बेहद की स्थिति है, बेहद की मेरी सेवाएं हैं, बेहद का मेरा वो फरिश्ता स्वरूप है जो लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है, जे ब्राह्मण सो फरिश्ता। बाबा ने बेहद के बहुत सारे टाइटल्स हम बच्चों को दिए हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम बेहद की जगत माताएं हो, विश्व कल्याणकारी हो, बेहद के धरती के सितारे हो, उड़ता पंछी हो, अविनाशी तुम्हारा बेहद का सुहाग है, बेहद की प्राप्तियां हैं,
बेहद के अधिकार हैं, बेहद की विशेषताएं हैं जो आत्मा में छुपी हुई है। बाबा कहे अब ये बेहद के अनुभव कर। बेहद का ब्राह्मण जीवन में प्यार मिला है, बेहद की रोज मुरली में सौगातें मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं। एक है कुएं का मेंढक और दूसरा है सागर में जो मेंढक होती है। कुएं का मेंढक ये सोचता है बस यही मेरी दुनिया है, पर उसे पता नहीं है सागर की विशालता कितनी है। उसी प्रकार से जब हम आत्माएं इस देह और देह भान के कई पिंजरों में अटक जाते हैं तो हम दुखों का अनुभव करते हैं, ईगो, फियर, एंजाइटी, युद्ध का जीवन अनुभव करती है। हदों में बाबा कहता है बंधन है, देह भान में कमजोरियां आ जाती है, आत्मा पर कट चढ़ जाती है, दाग लग जाते हैं। और जिस घड़ी आत्मा बेहद का अनुभव करने लगती है, उसी घड़ी अपने अंदर शक्ति उभरने लगती है, एक मुक्ति का एहसास होता है। फ्रीडम किसको कहा जाता है? वह भावार्थ समझ में आता है। बेहद के हमारे स्वरूप में शक्ति भरी हुई है, ताकत है, बल है। बेहद के स्वरूप में सारे गुण और सारी शक्तियां समाई हुई। परिस्थिति को बदलने की ताकत है। मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने की ताकत है। अब इतने सारे खजाने इस बेहद के हमारे स्वरूप में समाये हुए हैं, तो प्रश्न उठता है ये हद से बेहद का हमारा सफर कैसे हो, बेहद की हमारी स्थिति कैसे बने, बेहद के सुखों की प्राप्तियां, शक्तियों की प्राप्तियां, बेहद का बल आत्मा कैसे फील करती। बाबा ने मुरलियों में कई विधियां बताई। बाबा कहे बच्चे पहले बेहद का रहम भाव स्वयं के प्रति करो। अब बेहद का रहम खुद के लिए करना माना, खुद को यह स्मृति दिलाना कि मैं वही आत्मा हूं जो ऊंच से ऊंच बाप की संतान हूं,
मैं वही आत्मा हूं जिसका लक्ष्य है बाप समान बनना, और बेहद का रहम करना स्वयं पर, अर्थात यदि मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी है, कोई कमजोर संस्कार है जो मेरे वास्तविक श्रेष्ठ स्वरूप से विपरीत है, मैं अपने ऊपर रहम करके, रहम दिल बनकर उन संस्कारों को प्यार से, रहम भाव से मिटाने का पुरुषार्थ कर, उन कमजोर संस्कारों के प्रति मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति रखू, क्योंकि बाबा कहे तुम बेहद के बच्चे हो, हर प्रकार की हदों से अपने को पार ले जाना, तो सूक्ष्म में चेकिंग करनी है। ऐसी कौन सी हदें मैंने बना ली जिसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। और जब हम संपूर्ण विजयी बन जाएंगे सारे हदों के ऊपर, तो हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाए, जो हमारी फाइनल स्थिति होगी बाप समान बेहद की स्थिति हो जाए। तो खुद ही खुद बैठ करके टटोले अपने, ऐसे कौन से बंधन मैंने बांध लिए, कौन सी चीज मुझे खींच रही है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा वस्तु, कौन सा वैभव, सूक्ष्म चेकिंग करें। क्या शरीर खींच रहा है, मित्र संबंधी खींच रहे हैं, भोजन खींचता है, कोई कहते हैं हम बहुत फूडी हैं, पैसा खींचता है, कोई फैसिलिटीज, कोई साधन खींचते हैं, क्या चीज है जो मुझे हद में लेके आती है, एक बार दादी जानकी ने कहा था, एक ब्रह्मा कुमारी बहन समोसा समोसा करते उसने शरीर छुआ, अंत समय हमें वही चीज की खींच होगी, वही चीज हमको बंधन में बांधेगा, वही विकार सताएगा, वही वीकनेस एक विकराल रूप, एक मैग्निफाइड फॉर्म में हमारे सामने आएगा, जिस पर हमने जीत नहीं पाई। बाबा कहते अगर किसी भी हदों के प्रभाव में रहें तो वो भूत बन करके तुम्हारा पीछा करते रहे, तो चेक करें। स्वतंत्र बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो किन किन चीजों का प्रभाव अब तक भी मुझे हद में ले आता है, आत्मा उड़ना चाहती है, बेहद में जाना चाहती है,
अभी तक भी मुझे वैराग्य नहीं आया है। मैं आत्मा न्यारी नहीं बनी हूं, मास्टर नहीं बनी। किन बातों पर मैंने जीत नहीं पाई? बाबा कहते हैं नाव किनारे से छूटने पर है, पर अभी भी कहीं रस्सी बंधी हुई है, अटकी हुई है। रस्सी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ो तो छूटे। अब प्रश्न उठता है, जन्म जन्म की मेरी रस्सियां हैं, उनको कैसे छोड़ूं? तो बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है। बाबा कहता है एक का पाठ पक्का करो, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एकांत प्रिय, संपूर्ण एकाग्र बुद्धि, एक बाबा में सारे रस ढूंढते जाओ, लेते जाओ। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, गुड मॉर्निंग भी तुम्हारे साथ हो, गुड नाइट भी तुम्हारे साथ, पूरा दिन तुम संग बिताओ, कर्म योगी बनो। जब ऐसा मेरा एक का पाठ पक्का होगा, एक बाबा से हर चीज में वेरीफाई करूं, मेरे हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म, बाबा को पूछ के करूं, बाबा को रिपोर्ट करूं, बाबा की श्रीमत पे चलूं, तो वो बेहद की रॉयल्टी आ जाए, तो वो हद की जो छोटी मोटी बातें हैं ना, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। मेरे विचार बेहद के हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। थॉट, वर्ड और एक्शन बहुत सुंदर हो जाएंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएंगे, नेगेटिव खत्म हो जाएंगे। बस एक बाबा को फॉलो करते जाए, एक बाबा से प्राप्तियां लेते जाए, भरते जाए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये एक ही टाइम मिलता है सारी कल्प, जब तुम बच्चे अपना ज्ञान योग से श्रृंगार कर सकते, जानकी दादी हमेशा कहती थी स्वयं से प्यार करो। जिसको स्वयं से प्यार है, स्वयं के बेहद स्वरूप से प्यार है, वह सारा दिन ज्ञान रत्नों से खेलता रहे। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा।
तो ऐसे हम बच्चे बेहद की सेवाओं में अपने आप को दिन रात बिजी रखें। जब बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं तो अपने आप ज्ञान का चिंतन मनन चलता रहता है और बेहद की सूक्ष्म पावर आत्मा में भरती जाती है। बाबा कहते हैं डबल लॉक लगा दो। याद सेवा, ज्ञान सेवा, इतना बिजी हो जाओ कि मन कहीं और जाए ही नहीं। अपने लिए प्लान बनाओ। तो पूछो, ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन से हॉबीज हैं जो अब मेरे लिए जरूरी नहीं है, अगर मुझे बेहद की स्थिति बनानी है तो। अब इस चीज का कोई यूज नहीं है। डूज एंड डोंट्स बना लो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बेहद के स्वरूप तक ले जाने में उपयोगी होंगी, और कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं, इंटरेस्ट हैं, पास टाइम है, हम कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, जो मेरे स्वयं के पुरुषार्थ में रुकावट बन जाए। संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, बाबा कहते पुरानी दुनिया में रहते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाए। उसके लिए बाबा कहते हैं पैकअप करो, सब चीजों को समेट लो। जो भी हमारे व्यर्थ विचार चलते हैं, पास्ट में चलो कुछ भी हुआ, कई बोलते हैं ना हमारी एनर्जी स्टक अप हो गई है, वो इंसिडेंट बार बार हमारे मन में आता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्या बोला, उसे बोलना नहीं चाहिए। कई बार हम प्रेजेंट में स्टक अप हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लोगों में हमारी एनर्जी स्टक अप हो जाती, दूसरे का चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं। भविष्य की चिंताएं, अब क्या होगा, कईयों को ये क्वेश्चन आता है यज्ञ कैसे चले, बाबा कहे ये सारे विचारों को पैकअप कर, और 100% बाबा के प्रति अवेलेबल हो जाए। जब पूरा बुद्धि और बाबा से जुड़ जाएगा तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, वो सारी गिफ्ट्स मिल जाएंगी, वो सारी शक्तियां मिल जाएंगी। बेहद के गिफ्ट्स बाबा से मिलेंगे, जिससे हर बात को फेस करने के लिए हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कई कहते हैं 2022 के लिए प्रिपरेशन क्या, बेहद का वास्तविक भावार्थ समझ में आ जाए और बेहद की मेरी स्थिति बन जाए, बस यही प्रिपरेशन। पास्ट में कुछ भी हुआ, बाबा कहे बच्चे फुल स्टॉप,
मम्मा हमेशा कहती थी, कोई भी भूल अगर एक बार हो जाती है तो दोबारा वो भूल नहीं होनी चाहिए, अटेंशन रखना। ये है अपने को हद से बेहद में ले जाने का तरीका, प्रैक्टिकल तरीका। दूसरी भूल भले हो, भूल करना गलत नहीं है, पर सेम भूल रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर सेम भूल रिपीट हो रही है, माना मैं राजयोग की बच्चा नहीं, मैं परिवर्तन शक्ति को अपनाता नहीं, राजयोगी वो जिसका रिलेशन, जिसका कनेक्शन 100% वो सागर के साथ, वो सूर्य के साथ। एक बाबा ही है जिसमें वो बेहद ये सारी शक्तियां समाई हुई हैं, जिसमें हम अपनी सारे हदों को, इच्छाओं को, हद की कोई भी प्रेशर है, तनाव है, कोई डिफिकल्टी है, वो बाबा में समा सकते हैं। और ऐसे जब हम बाबा मैं हो जाते हैं, तो बेहद का रंग आत्मा पर चढ़ने लगता है। फिर हरेक के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बेहद बाबा मैं बन जाना माना बेहद का संतोष आत्मा में भर जाता है। बेहद की क्षमा भावना, बेहद की प्रेम भावना आत्मा में डेवलप होने लगती है। फिर हम हर मनुष्य आत्मा को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। जब बेहद बाबा के ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, तो हम बाबा समान त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हरेक का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हरेक की कार्मिक स्टोरी समझ में आती है। फिर हरेक के प्रति हमारा दृष्टिकोण अंडरस्टैंडिंग वाला, प्रेम वाला, दया भाव वाला, करुणा भाव वाला बन जाता है। हम हर रिश्ते में न्यारे प्यारे रहना सीख जाते हैं, बहुत लवली हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं, क्योंकि बेहद की स्वीटनेस आत्मा में भर जाती है, बेहद की प्योरिटी आत्मा में भर जाती है। गुड विशेस और प्योर फीलिंग्स नेचुरली हरेक के प्रति निकलते रहते हैं। अब समय के अनुसार बाबा हम बच्चों से यही चाहता है, वो बेहद का मर्सीफुल फॉर्म इमर्ज हो जाए, सारे विश्व की आत्माएं हमारे भाई बहन। बहुत इग्नोरेंट है, बाबा कहते अंधकार में है, प्रकाशी नहीं है, भटक रहे हैं, दुखी है,
रास्ता ढूंढ रहे हैं। तुम बच्चों को अब बेहद के मर्सीफुल बन जाना है। जब बेहद के ये सारे अधिकार, ज्ञान, गुण, शक्तियों के तुम बच्चों को मिलने लगते हैं, तो हद के जो भी अधिकार हैं, जो भी प्रभाव है, उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। हद की छोटी छोटी बातों में जो हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं, डिस्कशंस में आते हैं, जिद सिद के चक्कर में जाते हैं, वो फुल स्टॉप लग जाएगी। अननेसेसरी जो फियर्स, डाउट्स, प्रश्न उठते हैं, बाबा कहते हैं अलग अलग मात्रा लगती है। क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, कभी कॉमा लग जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो आज विशेष ग्रैटिट्यूड डे है। थैंक्स कहो उस बाबा को, थैंक्स करो, करो उनकी पालना को, थैंक्स बोलो उस बेहद की पढ़ाई के लिए। जैसे थैंक्स गिविंग हम करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हद खत्म होती जाएगी। उन आत्माओं को भी थैंक्स बोलो जिन्होंने हमारे लाइफ में एक बहुत डिफिकल्ट रोल प्ले किया है, सीखे हैं हम उनसे, मजबूत बनाया है उन्होंने हमको, एक प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेनिंग दी है। उन सिचुएशंस को थैंक्स गिविंग करो और अपने को फ्री करो। थैंक्स करने से फ्रीडम आएगी। थैंक्स करने से मुक्ति हो जाएगी। चेक करो, बाबा का ज्ञान हम बच्चों को मिला है क्या? सचमुच सिचुएशन आने पर हम बाबा के ज्ञान को, बेहद के ज्ञान को यूज करते हैं? बेहद की समझ आ गई है, बेहद की सोच हो गई है, बेहद की अंडरस्टैंडिंग आ गई है? सोल कॉन्शियस मेरी दृष्टि वृत्ति रहती है? प्रैक्टिकल लाइफ में चलो कुछ हो भी जाता है, क्या एक सेकंड में बेहद की अंडरस्टैंडिंग बिग पिक्चर देख करके फुल स्टॉप लगा सकते हैं? या हम जजमेंट्स पास करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म करते रहते हैं? क्या देह भान के भिन्न भिन्न जाति भेद, रंग भेद, भाषा भेद, कल्चर भेद, एजुकेशन भेद, इन सारे भेद से मुक्त होकर के हर एक को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये आत्मा है, परमात्मा की संतान है? क्या ऐसी मेरी बेहद की मीठी दृष्टि हो गई है? बाबा कहे, एक बाबा ही है जो हमको बेहद में ले जाता है, जिनकी दृष्टि हमको हदों से पार ले जाती है। कहते हैं नजर से निहाल कंदा स्वामी सतगुरु। क्या
क्या मेरी नजर भी बाबा जैसी बन गई है? क्या हर चीज का कनेक्शन मुझे समझ में आता है? बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र, गोले का चित्र और झाड़ का चित्र, घंटों चित्रों के सामने जाकर के चिंतन करो, मनन करो, अनुभव करो। जब गहराई से हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो डीप कनेक्शन समझ में आता है। फिर उस ज्ञान के आधार पर मेरी दृष्टि भी वैसे बन जाती है, जैसे बाबा की आंखें वैसे मेरी आंखें, बेहद की आंखें। क्या मेरी दृष्टि दूरांदेशी बनी है? किसी को देख करके क्या मुझे उसका फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप दिखाई देता है, या वर्तमान उसका वीकनेस दिखाई देता है, उसकी हदें दिखाई देती हैं? क्या मेरी दृष्टि विघ्नों से पार सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या प्रॉब्लम बेस्ड है? क्या मैं किसी की विशेषताओं को देखता हूं, उसका कोर, बाबा कहते कोर में उसका अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप वो दिखाई देता है, या मध्यकाल वाला उसका रजोतमो स्वरूप दिखाई देता है? बेहद का वास्तविक भावार्थ, माना मुझे वो समझ में आ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसने ऐसा काम किया होगा, उसके पीछे की उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी स्टोरी क्या थी, समझ में आ जाए, और डीप कनेक्शन समझ में आ जाए। जैसे आजकल वेब सीरीज निकले, एक के पीछे एक लिंक होते हैं, ऐसे 84 जन्मों का लिंकेज क्या है? वह मुझे समझ में आ जाए, क्या था, क्या बन गया हूं और अब कहां जाना है। जैसे बाबा मुझे देखता है, वैसे मुझे अब दूसरों को देखना होगा, तब आत्माओं की हम मुक्ति कर सकते हैं, जीवन मुक्ति हम आत्माओं को दे सकते हैं। बाबा कहे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ऐसी बेहद की मेरी आंखें बन जाए, जैसे बाप बेहद का सेवाधारी है, वैसे मैं भी बेहद का सेवाधारी बन जाऊं। सब आत्माओं के असली पोटेंशियल को मैं टैप कर सकूं। ऐसी मेरी बेहद की दृष्टि, बेहद का बोल, बेहद का कर्म संबंध संपर्क में आते हुए कोई हद न दिखाई दे। बेहद का वैराग्य हो, बेहद का वैराग्य माना क्या? किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना। ऐसी मुझे बेहद की तपस्या करनी है, ऐसी बेहद की मूर्ति अपनी बनानी है प्रैक्टिकल में। जिसमें सारे बेहद की शक्तियां, बेहद के गुण एक्शन में दिखाई दे,
तब कहेंगे बेहद की स्थिति बनाई। बाबा कहे बेहद की स्थिति माना अलाउद्दीन का चिराग होता है ना, कहते अलाउद्दीन का चिराग घसो तो जीन आ जाता है। मांगो जो मांगना, योर विश विल बी ग्रांटेड, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बेहद की स्थिति वो अलाउद्दीन का चिराग प्राप्त करने जैसी, जिसमें सारे खजाने समाये हुए, सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। बेहद की अटेनमेंट्स है, तो बाबा कहते हैं बेहद के स्वमान में रहो। तो स्थिति हलचल में नहीं आए, जब हमारा स्वमान कम हो जाता है, देह भान आ जाता है, तब हलचल होती है। बाबा के हर टाइटल को हमेशा याद रखो, तो सारे गुणों और शक्तियों से आत्मा भरपूर हो जाए, बैटरी फुल चार्ज हो जाए। अब ये स्वरूप बाबा हमारा वर्तमान समय देखना चाहते, ड्रामा अभी पूरा होने पर आया है, टू लेट का बोर्ड भी लग गया है। बाबा कहते हैं अभी बचपन का खेल खत्म, अनुभवी हो गए, वानप्रस्थ अवस्था आ गई है, रिटायरमेंट का टाइम आ गया, गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलो। देह भान देह अभिमान के खिलौने से नहीं खेलो, अब देह रूपी मिट्टी में पैर नहीं रखो, अब तो बस एकांत प्रिय बन जाओ, एक ही लगन में मगन हो जाओ, एक की गहराई में चले जाओ, एक को एक्सप्लोर करो। कहते अल्फा पॉइंट है, इस पर रिसर्च करो। क्योंकि समय समाप्ति की ओर है, अब नहीं तो कभी नहीं। सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करो, बेहद की मेरी बुद्धि मैंने कितनी बनाई है, चांस तो मिला था पर मैंने क्या किया। मुरली को बार बार बैठकर रिवाइज करो, मुरली के एक एक शब्द की गहराई में जाओ, मुरली के शब्दों में कौन से बेहद के खजाने छिपे हुए, अपनी पालना का मुरली को अपना बना लो। जैसे मेरा बाबा कहते हैं हम शब्द, वैसे मेरी मुरली हो जाए। मुरली में जो ज्ञान आता है वो मेरे विचार हो जाए, वो मेरी वाणी हो जाए, वो मेरी थिंकिंग पैटर्न हो जाए, तो हम कहें मेरी मुरली। और फिर बाबा को नाज होगा हम, और बाबा कहे
ये मेरा बच्चा है, मास्टर मुरलीधर है, जिसने अपना बेहद का प्रैक्टिकल में स्वरूप बना लिया है। और तब दिल से सही अर्थों में शुक्रिया निकलेगा कि वाह बाबा वाह, पाना था सो पा लिया। जब ऐसी मेरी बेहद की प्राप्तियों वाली स्थिति होगी, तब दिल से वो बोल निकलेंगे। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार, वो सारी खुशियां, वो सारे खजाने। बाबा कहते हैं पद्मा पदम पति, यू आर द रिचेस्ट हाईएस्ट एंड होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसी फीलिंग प्रैक्टिकल में आए, भर गए, बन गए। तब उस स्वरूप से जो सेवा होगी वो मैजिकल होगी। तुम्हारा चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करेगा और तब लोग कहेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। लौकिक में भी ऐसे कई मिसाल हैं। हेलेन केलर डेफ और ब्लाइंड थी, उसको सुनाई नहीं देता था, देख नहीं पाती। फिर भी उसने अपनी हदें सारी क्रॉस कर ली। स्टीफन हॉकिंग्स, दुनिया का नंबर वन साइंटिस्ट, जिसकी कोई इंद्रिय काम नहीं करती थी, सिर्फ दो अंगुलियों से कंप्यूटर ऑपरेट करके उसने संसार को बहुत बड़ा योगदान विज्ञान के क्षेत्र। हम अपने आप से पूछे, हमको क्या रोके रखा है? आज सब कुछ हमारे पास है, अच्छा शरीर है, अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, अच्छी पालना है, फिर भी हम कहाँ अटके हुए हैं? क्यों वो बेहद की ब्लेसिंग्स मुझे फील नहीं होती है, ब्लेसेड लाइफ मुझे अनुभव नहीं होती? क्यों अभी तक भी वो पेन, वो सफरिंग कभी कभी मेरे चेहरे पर आ जाती है? क्यों मेरा चेहरा गुलाबी नहीं बना है? बाबा कहे प्रॉब्लम्स सिचुएशंस अंत तक आएंगे। बाबा के बन गए इसका मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। पर प्रॉब्लम आने पर जो बेहद का ज्ञान मुझे मिला है, बेहद का प्यार मुझे मिला है, उसको मैं कितना यूज कर पाता हूं? अब हमारा टर्न है। दादियों ने करके दिखाया। दादी जानकी का ईईजी टेस्ट हुआ, डेल्टा पर्सन इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। स्टेबल माइंड बना कैसे? जब बेहद का स्वरूप बन। अब संसार हमारी चेकिंग करने आएगा।
इतना साल हमने बाबा के साथ बिताया, हमने बाबा को कितना जाना और कितना बाबा से पाया, हमने अपना टाइम कितना सफल किया, हम बाबा के कितने क्लोज आए, हम बेहद के कितने क्लोज आए। अब हमारी चेकिंग, एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बेहद की सफलता उन क्षणों में पाते हैं जब रियल क्राइसिस हमारे सामने हो, रियल टेस्ट पेपर हमारे सामने, क्या हदों से हम संपूर्ण मुक्त हो गए हैं, क्या अभी तक कोई आधार पकड़ के रखा है? क्योंकि बाबा कहे अगर कोई भी आधार होगा, कोई सेंटर का आधार, कोई दीदियों का आधार, कोई फैसिलिटीज का आधार, कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम होगा तो बेहद की स्थिति नहीं बनेगी, बेहद की खुशी नहीं रहेगी। वो अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपियों का गायन है, वो अवस्था नहीं बन पाए। तो पूछो अपने आप से, चेक एंड चेंज डेली, जो मुझे बाबा ने ब्राह्मण जीवन का टाइम टेबल बताया है उसको मैं यथारत रूप से फॉलो करता हूं तो मैं बेहद का मेरा स्वरूप बना सकूंगा, बेहद की लाइट मेरे अंदर आने लगेगी, बेहद की माइट आएगी, बेहद की डिवाइन इंसाइट आएगी, तो एवरीथिंग राइट हो जाएगा, राइटियस बन जाऊं, बेहद की राइटियस। कि 2500 वर्ष तक फिर मेरे से कोई गलत कर्म नहीं, बाबा कहे अब ऐसी स्थिति बनाओ। अगर मेरी बेहद की स्थिति अब नहीं बनेगी तो मैं बाबा के काम नहीं आ सकती। बेहद की स्थिति वाला ही भगवान के काम आएगा, नहीं तो समय आने पर अपनी हद की कमजोरी अपने को धोखा देती, सिचुएशन आने पर हेल्पलेस फील करेंगे, हाय हाय निकलेगी, सिचुएशन आने पर लो फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, अब तो बाबा कहे बेहद के स्वरूप में स्थित होकर तुम्हें बेहद का सहयोग आत्माओं, दाता के बच्चे हो, वर दाता के बच्चे हो, भाग्य विधाता के बच्चे हो, बस ब्लेसिंग्स देना, बेहद का मेरा हाथ वरदानी हाथ हो जाए, जब ऐसे मैं संपूर्ण बाबा की श्रीमत पर चलती रहूंगी, बाबा की धारणाओं पर चलती रहूंगी, बेहद की मेरी स्थिति बन जाएगी तो बाबा भी बेहद का ब्लेसिंग्स देगा, ब्राह्मण परिवार भी बेहद का ब्लेसिंग्स देगा और विश्व से भी मुझे बेहद की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और वो ब्लेसिंग्स बेहद की मेरे लिए लिफ्ट बन जाएंगे। बेहद के बंधन काटने, कई बार हम कहते हैं अरे हमारे प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा है, संस्कार इतने ज्यादा है, बंधन इतने ज्यादा है, हम नहीं तोड़ सकते।
बाबा कहे बेहद की दुआओं का स्टॉक जमा कर, सबसे दुआएं लो, बस एक ही लक्ष्य रखो, सबसे दुआएं रख लेनी, और बेहद की दुआओं का स्टॉक जब जमा हो जाएगा तो हम अपने बंधन भी काट सकेंगे और उन दुआओं की ताकत से औरों को भी बंधन मुक्त बना सकेंगे, उनके प्रॉब्लम से हम उनको दूर कर सकेंगे। क्योंकि अभी जो आत्माएं आने वाली है बहुत कमजोर आत्माएं हैं, ज्ञान लेने की क्षमता नहीं है उनमें, योग करने की ताकत नहीं है, और मेरे बेहद के स्वरूप का मुझे उनको गिफ्ट देना है। जब मेरा बेहद का पुण्य जमा होगा तो बेहद के पुण्य को हम उनके साथ शेयर कर सकेंगे। अब ऐसे बाबा कहते हैं बेहद का इंजेक्शन लगाओ, ऐसा शक्तिशाली इंजेक्शन लगाओ, ऐसा दाता स्वरूप बन जाए, वरदाता स्वरूप बन जाए, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति बेहद स्वरूप में हम देते जाएं। बाबा कहे अंत में तो लाइन लगे, रात दिन एक करना पड़ेगा, फुर्सत नहीं मिलेगी स्वयं के लिए या स्वयं की परेशानियों के बारे में सोचने, स्वयं के लिए टाइम ही नहीं मिले। तो ऐसी बेहद की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर, तब जाकर बेहद विश्व के हम महाराजा महारानी उस गद्दी पर बैठेंगे। उस बेहद के स्वरूप के लिए मुझे लायक बनना, अब थोड़ा टाइम हम मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आपने ज्ञान के इतने गहरे राज को बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से बताया। हद है बंधन, बेहद है फ्रीडम। थैंक यू दीदी सो मच हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए। अभी हम मेडिटेशन, दीदी हमें थोड़ी देर मेडिटेशन कराएंगी। आप सभी अपने कैमरे ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करके दीदी से दृष्टि लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू मीरा दीदी, अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। बाबा कहे याद करो कि हम वो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम सतयुग में जाकर के बेहद के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एकाग्र हो जाओ बाबा, ले जाओ अपने मन बुद्धि को बाबा के पास,
परम धाम में बाबा के पास। बाबा कहे मेरे पास आकर के बैठ जाओ। जैसे बाबा दुनिया को देखता है, साकारी दुनिया में सृष्टि रंगमंच पर एक पाठ चल रहा है, जैसे बाप ऊपर से इस साकारी लोक को देखता है, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान स्थिति में स्थित होकर दुनिया को देखो। दाता, भाग्य विधाता, वर दाता बाबा के पास बैठकर मैं भी उस दाता, भाग्य विधाता, वर दाता स्वरूप में स्थित हो जाता। बाप समान बेहद की मेरी स्थिति, बाबा से शक्तियां लेते जाओ, और विश्व की सारी आत्माओं तक पहुंचाओ। बाबा गए आत्माएं दुखी हैं, भटक रही हैं, पुकार रही हैं। तुम बच्चे मास्टर रहम दिल, मास्टर दया का सागर, क्षमा का सागर, बेहद के समझदार बच्चे, बेहद की वैराग्य की किरणें फैलाओ जगत। फील करें परम धाम में बाबा के पास। वो परम धाम में बेहद के वैरागी वातावरण में जहां कोई देह भान नहीं, देह का बंधन नहीं, संपूर्ण बीज रूप मेरी स्थिति, बाबा से लाइट माइट लेते जाएं। बाबा से बेहद खुशियां अपने में भरते जाएं। और बेहद खुशियों की एक लहर अभी विश्व में फैलाएं। ये सही सेवा है। आत्माओं को हद के बंधनों से मुक्त करना, अपने को इतना बाबा मैं बना दे,
यदि और कोई विचार आ रहे हैं, कोई बातें आ रही है बुद्धि में, पैकअप करें, थैंक यू बोलें। जीवन के हर चीज के लिए थैंक यू, जीवन के हर अनुभव के लिए थैंक यू। थैंक यू बोलते बोलते मन बुद्धि को फ्री करते जाएं और फुली बाबा के साथ अवेलेबल हो जाएं। बाबा मुझसे जो कराना चाहता है, अपना स्वरूप बना ले। मन बुद्धि बाबा के लिए बिल्कुल फ्री। बेहद की लाइट माइट बाबा से लेते जाएं और सारे विश्व की आत्माओं को लाइट माइट फैलाते जाएं। पूरा विश्व का ग्लोब 750 करोड़ आत्मा बाबा से बेहद की लाइट माइट मुझ में आ रही है और सारे विश्व की तरफ जा रही है। ऐसा अपना बेहद का विश्व कल्याणकारी स्वरूप बना ले। शांति की लाइट प्रेम की लाइट पवित्रता की लाइट ज्ञान की लाइट संतुष्टता की लाइट बेहद की लाइट विश्व में फैलाएं, जिससे विश्व में एक बेहद का वैराग्य का वातावरण है। लाइट बाबा से लेते जाएं और विश्व तक पहुंचाएं।
सत्यता की लाइट्स। हिम्मत की लाइट, निश्चय की लाइट, एक्सेप्टेंस की लाइट, नॉन जजमेंटल की लाइट, प्यार की लाइट, ऐसा बेहद का अपना लाइट स्वरूप अनुभव करें। ऐसी बेहद की ज्वाला जलाएं जिससे सारी परेशान आत्माओं को मुक्ति मिल जाए। आध्यात्मिकता क्या है? ये लहर विश्व में फैल जाए। श्रेष्ठ कर्म क्या है? इस श्रेष्ठ कर्मों की लाइट अब विश्व में उजागर। सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, हर आत्मा के अंदर ये दिया जल जाए। ट्रू स्पिरिचुअल लव की अनुभूति हो। ऐसी बेहद की गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स हर विश्व की आत्माओं के लिए फील करो, इमर्ज हो हर एक के लिए। हर आत्मा हद से बेहद में आ जाए, बेहद बाप को पहचाने, बेहद का वर्षा प्राप्त करे, उसकी जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण हो जाए। हदों के जेल से आत्मा फ्री हो जाए। सब आत्माओं को हम बेहद रूप से माफ करते हैं। हर आत्मा के लिए हम माफी मांगें।
उन आत्माओं को मुक्त कर दे उनके पापों से, उनके सिंस से। बाबा कहे तुम बच्चे बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद समाने की शक्ति आ जाए। सबके अवगुणों को, कमियों को हम समा लें, बेहद रूप से उनको माफ कर दें। आज विशेष थैंक्स गिविंग डे है, बेहद की थैंक्स गिविंग करें हर एक के लिए, विश्व के हर फील्ड के लिए, हर प्रोफेशन के लिए, सब पॉलिटिशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सब काउंसलर्स के लिए, हीलर्स के लिए, रिलीजियस लीडर्स के लिए थैंक्स करें। सब स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एक एक व्यक्ति के लिए थैंक्स। प्रकृति को थैंक्स, पांचों तत्वों को थैंक्स, थैंक्स करें अपने आप को, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बेहद के स्वरूप को धारण करने के लिए, बेहद की जिम्मेवारी उठाने के लिए। थैंक्स करें इस अनुभूति परिवार, थैंक्स करें बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, ममा को, थैंक्स करें वो सारे पूर्वज जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, शक्ति दी है, यज्ञ संभाला है, इतनी श्रेष्ठ पालना दी है। थैंक्स करें अपने लाइफ को, अपने लाइफ के हर सिचुएशन, और फ्री कर लें अपने आप हर सिचुएशन से, हर बंधन से,
थैंक यू थैंक करें उन लोगों को, एक एक का नाम लेके थैंक्स करें। जो अच्छे भी हो, जिन्होंने हमसे बुरा व्यवहार भी किया हो, जाने अनजाने, बस हर हद के बंधन से अपने को फ्री कर दे। ये थैंक्स गिविंग की लाइट आज के दिन पूरे विश्व में फैलाए। इतना हम अपने आप को भरपूर करें इस बेहद के स्वरूप से, हर आत्मा इस बेहद की भरपूरता का अनुभव करके उनके दिल से भी शुक्रिया निकले। ये बेहद की लाइट कहां से आई? ये बेहद की चिंगारी किस जगह से आ रही है? ऐसा बेहद का लाइट हाउस अपने को बनाए। विश्व की हर आत्मा को ये बेहद की लाइट, इस सुखों की लाइट, ये संतोष की लाइट थैंक्स गिविंग की लाइट फील हो। बस ऐसे अपना बेहद का विजयी पने का स्वरूप बनो।